Hello friends, welcome to my YouTube channel CSE Tutorials. So C language सीखने की इस सीरीज में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में. जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे C कॉन्स्टेंट के बारे में, इससे पहले हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था जो कि टोकन से अलग टॉपिक था. बट अब हम यहाँ पर टोकन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट टाइप है उसका यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में. ठीक है, सो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में. ठीक है, सो वेरिएबल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज हो सकती है, ठीक है, वेरी कर सकती है, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. सो इसके जस्ट अपोजिट कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कॉन्स्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है. एक बार आपने उसको डिफाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी पूरे प्रोग्राम में वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. सो हम यहाँ पर बात करें अगर कॉन्स्टेंट्स के टाइप के बारे में, तो हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को बेसिकली दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं. पहला है जिसमें हम बात कर सकते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, और जो सेकंड है उसमें हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो अब न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में क्या आते हैं, कॉन्स्टेंट वही होते हैं जो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, उनमें डेटा टाइप पढ़ी थी, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है. ठीक है, तो इसमें आप डबल है, किसी भी टाइप का कॉन्स्टेंट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. और इसी तरीके से कैरेक्टर में आ जाएगा, सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, और स्ट्रिंग है. ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स के टाइप होते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी पार्ट बताने को है नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रोग्रामिंग की सहायता से समझेंगे, जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं. बेसिकली कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने का यहाँ पर दो टाइप होते हैं, कॉन्स्टेंट को हम डिफाइन करते हैं तो इसके दो टाइप से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टेंट को. पहला है जिसमें हम यूज करेंगे जो डिफाइन कीवर्ड है उसके द्वारा, ठीक है, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हमने पहले देखा था. और सेकंड है जो कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से हम डिफाइन कर सकते हैं. सो हम यहाँ पर दोनों टाइप्स को देखेंगे कि कॉन्स्टेंट हम दोनों टाइप से कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हम प्रोग्राम बनाएंगे. सो हम डायरेक्टली इसके लिए चलते हैं हमारे नोट पैड पे. ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो नोट पैड है वो मैंने ओपन कर लिया है. यहाँ पर सबसे पहले हम एक हमारा जो फोल्डर है इसमें एक नई फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम लेट से यहाँ पर मैं दे देता हूँ, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, बट हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट डिस्कस कर रहे हैं तो इसका नाम यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट डॉट सी रख लेता हूँ. ठीक है, सो ये नई फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है. अब इसमें हम सी का प्रोग्राम लिखना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और किसी भी प्रोग्राम में हमको पता है कि स्टार्टिंग में हम स्टूडियो डॉट एच जो हेडर फाइल है इसको हम इंक्लूड करते हैं, और इंट मेन फंक्शन हम यहाँ पर यूज करते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से कॉन्स्टेंट डिफाइन हम कैसे करते हैं. ठीक, सो जैसे आप सिंपल कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट से एक्स वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल इंटीजर एक्स और लेट से उसमें वैल्यू असाइन करना हो तो एक्स इक्वल 10 यहाँ पर डिफाइन करते हैं. तो ये सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि प्रोग्राम में वेरी कर सकता है. ठीक है, बट आपको अगर एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है इसी को, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर जो पहला टाइप है कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, वो बिल्कुल सिंपल है. इसके आगे आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पर यूज कर लेना है जो कि एक कीवर्ड है. सो इसको यूज करने से ये अब एक्स है जो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा. ठीक है, इसकी वैल्यू अब यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती है. सो इस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का और स्ट्रिंग टाइप के जो भी टाइप्स मैंने बताए थे, इन सब के यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट बना के मैं एक बार दिखा देता हूँ. तो जैसे आपको इंटीजर टाइप का कॉन्स्टेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, कॉन्स्ट इंटीजर टाइप का बनाना है, और फिर उसका नाम एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. मैं लेट से यहाँ पर वैल्यू मतलब कि वैल यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ. ठीक है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकता हूँ. अब यहाँ पर जो वैल नाम का एक जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल हमने बनाया है, सॉरी कॉन्स्टेंट बनाया है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 10 असाइन कर दी है.
सो अब ये फिक्स है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में 10 ही रहेगी, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं और कॉन्स्टेंट यहाँ पर बना सकता हूँ। लेट से मुझे फ्लोटिंग टाइप का बनाना है, तो यहाँ पर मैं फ्लोट टाइप का बना दूंगा, इसका नाम मैं लेट से फ्लोट वैल कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल यहाँ पर मैं वैल्यू यहाँ पर असाइन करवा दूंगा, ठीक है, लेट से 14.5, ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कैरेक्टर टाइप का मैं बना लूंगा, और इसका नाम लेट से मैं कैर वेल दे देता हूँ, ठीक है। और कैरेक्टर टाइप का जो कॉन्स्टेंट होता है उसमें आपको पता है कि एक कॉन्स्टेंट कैरेक्टर है, जो एक कॉन्स्टेंट इसमें एक कैरेक्टर यहाँ पर हम स्टोर करवा सकते हैं, तो कोई भी मैं कैरेक्टर यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर असाइन कर दूंगा। तो अब जो भी ये वेरिएबल हम बना रहे हैं, वैल्यू, फ्लोट वेल, कैर वेल, ये कॉन्स्टेंट है सारे, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का कॉन्स्टेंट है, ये फ्लोटिंग टाइप का कॉन्स्टेंट है, ये कैरेक्टर टाइप का कॉन्स्टेंट है। सो अब इनको यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू एक बार हमने इनिशियली जो असाइन कर दी है पूरे प्रोग्राम में इनकी वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का भी एक वेरिएबल यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं इसका नाम देता हूँ लेट से स्ट्रिंग वेल, ठीक है। और ये आगे हम जब स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये हम ब्रैकेट में यहाँ पर 10 क्यों लिख रहे हैं। जब हम एरे पढ़ेंगे और स्ट्रिंग पढ़ेंगे आगे, तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगा। बेसिकली ये स्ट्रिंग है, जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स का एरे होता है एक तरीके से, ठीक है। सो अभी के लिए आप सिंपल इसको समझ लीजिए इतना ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चार कॉन्सेप्ट डिफाइंड किए हैं, जो कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप के, चारों टाइप के मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल इनको यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ, इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इनकी वैल्यू को लेट से मैं यहाँ पर वैल में अभी 10 है, मैं लेट से 20 असाइन करना चाहूंगा, तो यहाँ पर ये एरर देगा, क्योंकि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनका वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। अब इनको मुझे अगर प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट एफ करके यहाँ पर इंटीजर टाइप का हमें प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैं परसेंटाइल डी यूज करूंगा, और जो वेल नाम का वेरिएबल है इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। और इसमें यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट इज कुछ भी यहाँ पर डिफाइन कर दें। तो इस तरीके से मैं जो चारों टाइप के कांस्टेंट हैं इनको यहाँ पर मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। इंटीजर के लिए हम परसेंटाइल डी यूज करेंगे, फ्लोट के लिए हम यहाँ पर परसेंटाइल एफ यूज करेंगे, और इसी तरीके से कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी, और स्ट्रिंग के लिए भी यहाँ पर परसेंटाइल एस यूज करेंगे, जो कि अगेन हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हम एस क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, दिस इज ए फ्लोटिंग टाइप कॉन्स्टेंट एंड दिस इज ए कैरेक्टर टाइप कॉन्स्टेंट एंड दिस इज ए स्ट्रिंग टाइप कॉन्स्टेंट, ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, फ्लोटिंग टाइप का जो कॉन्स्टेंट बनाया है उसका नाम है यहाँ पर फ्लोट वेल, ऐसे ही कैरेक्टर के लिए जो बनाया है इसका नाम है हमारे पास कैरवेल, और स्ट्रिंग टाइप का बनाया है इसका नाम है हमारे पास स्ट्रिंग वेल, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर मैं रिटर्न करके 0 कर दूंगा, क्योंकि हमें इंट में लिखा है तो यहाँ पर हमें 0 रिटर्न करना हुआ, ठीक है। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। अब इसको मैं यहाँ पर सेव करके, इसको अगर मैं इसका आउटपुट यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। प्रोग्राम को रन करवाने के लिए सिंपल GCC -O, यहाँ पर मैं जो exe फाइल है उसका नाम मैं देना चाहता हूँ, लेट से मैं कॉन्स्टेंट दे दूंगा, इस नाम से exe फाइल बन जाएगी। और फिर यहाँ पर constant.c है, जो हमारी प्रोग्राम फाइल है उसका नाम मैं यहाँ पर प्रोवाइड करके एंटर प्रेस करूंगा, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के साथ साथ ये यहाँ पर constant.exe नाम की एक फाइल बना देगा। उस फाइल को हम रन करवाएंगे तो हम हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर रन करवा के उसका आउटपुट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट डॉट जो exe फाइल है उसको मैं यहाँ पर रन करवाऊंगा, तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर रन हो जाएगा, और इसने सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर दिया इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, सारी यहाँ पर प्रिंट की है। अब हमने देखा कि ये तो पहला टाइप था इन कॉन्स्टेंट यहाँ पर डिफाइन करने का, जो कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे वेरिएबल डिफाइन करना है, और उनके सामने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लेना है। बट अब हम यहाँ पर हम देखना ही चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर इंटीजर, जैसे लेट से इंट कॉन्स्टेंट बना कॉन्स्टेंट बनाया हमने यहाँ पर वेल नाम का, इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 है। हम क्या करते हैं, लेट से बाद में इसकी वैल्यू को यहाँ पर
चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं जो वैल नाम का वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू लेट से मैं 20 करना चाहता हूँ, मैं 10 चेंज करना चाहता हूँ। सो हमें देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैंने वैल नाम का जो कॉन्स्टेंट बनाया इसमें मैंने यहाँ पर 20 असाइन किया है और मैं अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पर रन करवाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक एरर मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। ये बोल रहा है कि रीड ओनली वेरिएबल मतलब यही है कि इनकी वैल्यू को आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इनको सिंपल आप यूज कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, बट इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू में हम यहाँ पर 20 असाइन कर रहे हैं तो ये एक रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज करवा के देख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यही कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू है जो पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी, वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है। सो ये तो पहला टाइप था कॉन्स्टेंट डिफाइन करने का। अब मैं सेकेंड टाइप क्या करूँगा, इनको मैं यहाँ पर कमेंट में डाल देता हूँ और मैं जो डिफाइन कीवर्ड है उसकी सहायता से मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट डिफाइन करना चाहता हूँ सेम एनी नाम के, ठीक है। सो जो मैं डिफाइन कीवर्ड है उसको हमको यहाँ पर यूज करना होगा क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कि हमने जैसे इंक्लूड हमने देखा किसी फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, इसी तरीके से आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन कीवर्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो हैश डिफाइन, अब मैं सेम वेरिएबल्स यहाँ पर अगेन डिफाइन करता हूँ, जैसे वेल नाम का मुझे इंटीजर डिफाइन करना है, सो मैं यहाँ पर हैश डिफाइन int val, ठीक है। और इसमें अब यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाना है आपको, सिंपल यहाँ पर 10 लिख देना है, ठीक है। सो इसका मतलब है यहाँ पर val नाम का एक इंटीजर कॉन्स्टेंट बन गया है और उसकी वैल्यू यहाँ पर 10 है। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके जो और वेरिएबल्स हैं फ्लोटिंग टाइप और कैरेक्टर टाइप के यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं अभी, तो यहाँ पर मुझे अगर फ्लोटिंग टाइप का डिफाइन करना है तो मैं फ्लोट और इसका नाम मैं यहाँ पर फ्लोट वैल यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। और इसमें मैं फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सॉरी ये भी नहीं लगाने, यहाँ पर जो सेमी कॉलन लगाने हैं वो यहाँ पे नहीं लगाने हैं क्योंकि हम जो भी ऊपर लिखते हैं इनमें सेमी कॉलन हम नहीं लगाते यहाँ पर, ठीक है। तो सेमी कॉलन भी यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। और इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का अगर हमें कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है तो उसका नाम मैं लेट से कैर वेल और इसमें कोई भी कैरेक्टर में यहाँ पर असाइन कर दूंगा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर एंड में सेमी कॉलन नहीं लगाना है। सो ये अब यहाँ पर हमने डिफाइन कीवर्ड का यूज करके यहाँ पर कॉन्स्टेंट हमने डिफाइन किया है, ये कॉन्स्टेंट हमने डिफाइन किए हैं, ये सेम है इसी तरीके से, ठीक है। बस दोनों का डिफाइन करने के तरीके अलग अलग है, हम दो टाइप से कॉन्स्टेंट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ तो इसका आउटपुट यहाँ पर सेम ही आने वाला है क्योंकि हमने सेम वेरिएबल बनाए बट जो डिफाइन करने का तरीका है वो हमने यहाँ पर अलग बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कोई एक एरर मैसेज शो कर रहा है कि इन एक्सप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ मैक्रो इंट इंट मेन समथिंग, है ना। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमें ये डिफाइन करना है तो यहाँ पर हम इनको भी हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इनको भी यूज नहीं करना है, सिंपल आपको ऐसे यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो चुका है, ठीक है। सो वहाँ पर आपको डेटा टाइप वो मैं पहले वाला याद रह गया था, यहाँ पर आपको जो डेटा टाइप है हम वो भी डिफाइन नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू वही यूज करेगा। जैसे हम यहाँ पर इंटीजर असाइन किया है तो ये इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है और इसी तरीके से फ्लोटिंग और कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो रहा है और इसको हम फिर यहाँ पर रन करवाएंगे तो ये तीनों वेरिएबल्स की यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्स्टेंट कितने टाइप के होते हैं और इनको हम दो तरीके से यहाँ पर सी में कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग डिफाइन कीवर्ड, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉन्स्टेंट से रिलेटेड, यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। अगर फिर भी आपको
इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको इसको बना के देखिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर यहाँ पर जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मैंने वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, सो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको देख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।